हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का पत्र भाग सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पत्र के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं और पत्र किस तरह से लिखा जाता है इसका एक उदाहरण देखने वाले हैं। पत्र पत्र के विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पत्र के प्रकार दो है, पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। औपचारिक पत्र अर्थात प्रशासन, कार्यालय और कारोबार के लिए लिखा जाता है। हम कार्यालय को और जहाँ पे हम काम करते हैं उसे या फिर स्कूल के लिए हमें छुट्टी लेनी है तो हम औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखेंगे। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र और परिवार के लिए लिखा जाता है। अब हम एक पत्र का ढांचा देखेंगे, पत्र किस तरह से लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, पता, उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आएगा विषय। विषय में हम लिखेंगे पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे महोदय। महोदय में हम आपका पूरा नाम, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपको छुट्टी चाहिए तो किस लिए छुट्टी चाहिए, उसका कारण, ये सभी बातें महोदय में लिखेंगे। सबसे नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, स्वाक्षरी और दिनांक। अब हम पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। पत्र के बाईं ओर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल, रातौर। विषय है छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। महोदय, मैं महेश चौधरी चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है। मैं पाठशाला आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, यहाँ पे आपका पूरा नाम आएगा, क्रमांक अर्थात हजेरी क्रमांक और नीचे दिनांक। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसमें से औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है इसका एक उदाहरण हमने देखा। धन्यवाद।